नमस्कार, सच का सामना में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे सारे देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज अपनी कवरेज में आपको लेके आए हैं पीरखो टेंपल। पीरखो टेंपल जिसको जावावंत गुफा के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं, हम आपको करवाते हैं लाइव दर्शन पीरखो टेंपल के। आइए मेरे साथ। ये जावावंत गुफा की जहाँ से ये शुरू होती है, ये वहाँ से हम आपको ये गुफा के अंदर के जो दृश्य अभी दिखाने जा रहे हैं अपने सच का सामना के जरिए। ये आप देख रहे हैं, ये जावावंत गुफा पीरखो में ये मंदिर है, जहाँ पे आज महाशिवरात्रि पर भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है। आइए, ये हम आपको ले चल रहे हैं, ये गुफा के अंदर के जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। गुफा के अंदर की लाइव तस्वीरें हैं पीरखो टेम्पल, जावावंत गुफा जिसे कहा जाता है, वहाँ की ये अंदर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पर भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है। ये आप देख रहे हैं हमारी, ये अंदर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी, जावावंत गुफा के टेम्पल की जो तस्वीरें हैं, जो अंदर देखिए, यहाँ के मेरे कैमरामैन आपको ये लाइव जो है यहाँ से दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे पीरखो टेंपल जो कि जवान गुफा के नाम से जाने, ये लाइव तस्वीरें हैं अंदर की जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी, आप देख रहे हैं भक्तों की काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है आज अंदर। ये गुफा के अंदर के दृश्य आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये गुफा के अंदर के दृश्य। चलो 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 कुड़िया करो जल्दी, आज बेटे चलो। हेलो अंदर गुफा के दर्शन हमने आपको करवाए, इसके साथ साथ ये बाहर जहां भक्तों की कतार लगी हुई है, जी आप हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, बाहर भक्तों की काफ़ी भीड़ है। सुबह से भक्त जहां लाइनों में लगे हुए हैं और शिव जी के दर्शन करने के लिए सुबह से यहां पे भक्तों की लाइन यहां पे लगी हुई है। दूसरी तरफ ये जेंट्स की लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ भी इतनी लंबी कतार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सभी जो श्रद्धालु है, ये सुबह से जितने भी भक्तजन हैं सुबह से यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं और अपने दर्शन के लिए। अभी हम आपको लेके आए हैं महंत पीर रविनाथ जी के पास, वो बताएंगे इस मंदिर की क्या महानता है। अभी उनकी जुबानी सुनते हैं कि इस क्या विशेषताएं रही हैं इस मंदिर की। आइए करते हैं बात। महंत जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमने आज ये दर्शन लोगों को करवाए हैं अपने यहाँ पीरखो टेम्पल के, मैं चाहता हूँ कि आप इस मंदिर की मान्यता के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएँ। बोलो शंकर भगवान की जय। यहाँ पीर ये इस पीरखो मंदिर की ऐसी मान्यता है कि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके मुताबिक भागवत श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भी उल्लेख आता है कि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण जी और जामवंत जी का 27 दिन युद्ध चला समंतक मणि के लिए। तो ऐसा बताते हैं कि एक राजा सत्राजीत होया, उसने भगवान सूर्य देवता की तपस्या करके समंतक मणि प्राप्त की। तो एक दिन उसको लेकर के वो जा रहा था, कई नगरवासियों ने बोला हे राजा ये मणि तेरे किस काम की, भगवान कृष्ण को अर्पण कर दे। तो उसने अहंकार में आकर के मना कर दिया कि ये मैं मणि आपको नहीं दे सकता, मैंने सूर्य देवता की तपस्या से प्राप्त की है। तो एक दिन उस मणि को चुरा करके उसका भाई जंगल में चला गया, तो उसको जो है शेर ने मार दिया। शेर से जो है मणि जामवंत जी ले आए शेर को मार करके। तो
उसके भाई उस राजा के भाई का प्रसन्नजीत का जो है कलंक भगवान श्री कृष्ण को लगा। उसके भाई ने कलंक लगा दिया कि मेरे भाई को मार के उन्होंने मणि चुरा ली, मैंने नहीं दी। तो उस मणि की खोज में भगवान कृष्ण जी यहाँ पर आए मणि का कलंक मिटाने के लिए। तो जामवंत जी की लड़की जामावंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जामवंत जी यहाँ शिवजी महाराज की तपस्या में लीन थे। ये शिवजी महाराज ऐसा बताते हैं कि उनकी तपस्या से प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने जब तप किया तो उस लड़की ने कभी मनुष्य की शक्ल नहीं देखी थी। तो वो जो है लड़की उसको भगवान कृष्ण जी को देख करके डर गई। तो जामवंत जी की तपस्या भंग हुई, उठ करके आए, बोला कौन हो क्या हो आप बताओ महाराज, अपना परिचय दो। तो भगवान कृष्ण जी ने बोला है जामवंत उस दिन को याद कर कि जब आपने मेरे से वरदान मांगा था युद्ध का, आज मैंने आपका ये वरदान पूरा कर दिया। इसकी मान्यता भगवान त्रेता युग से भी है, भगवान राम जी के टाइम पर, कि ऐसा बताया जाता है कि भगवान राम जी ने सभी को मनीक्षा वरदान दिए। तो जब जामवंत जी की बारी आई तो इन्होंने युद्ध का वरदान मांगा था, क्योंकि इन्होंने बोला कि आपने मेरे को रावण के युद्ध में मेरे को जो है अपना कौशल दिखाने का वक्त नहीं मिला, तो मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान ने इनको वरदान दिया था कि जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो यहाँ पर उनका 27 दिन मणि के लिए युद्ध चलता रहा। तो जामवंत जी इतने बलवान थे कि इस पृथ्वी के ऊपर स्वयं भगवान राम के और नारायण के अलावा उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो उस 27वें दिन उन्होंने मन ही मन में विचार लगाया कि ये कोई जरूर अवतारिक शक्ति है जो मेरे साथ 27 दिन तक युद्ध कर चुकी है। तो भगवान कृष्ण ने बोला है जामवंत उस दिन को याद कर जब तूने मेरे से वरदान मांगा था। उन्होंने जामवंत जी ने बोला है महाराज मैं आपको नहीं जानता कि मैंने तो अपने भगवान राम के जो है राम रूप में जो दर्शन किए हैं नारायण के, अगर आप स्वयं नारायण हो तो मेरे को राम रूप में दर्शन कराओ। तो उन्होंने यहाँ भगवान कृष्ण जी ने राम रूप में उनको दर्शन दिया। तो तब उनका जो शक दूर हुआ। तो भगवान कृष्ण ने बोला है जामवंत जी ये मणि मेरे को वापस कर दो। तो भगवान जामवंत जी ने बोला है भगवान अभी युद्ध में जो है निर्णय नहीं हुआ हार जीत का, ना आप जीते ना मैं हारा, अब मैं आगे युद्ध नहीं कर सकता। मेरा आपके आगे एक विनती है कि ये मेरी लड़की है, इससे आप विवाह करो तो मैं ये मणि आपको दूंगा। तो यहाँ भगवान शिव जी महाराज को साक्षी मान करके जामावंती के साथ भगवान कृष्ण ने विवाह किया था। तब वो मणि यहाँ से लेकर के द्वारका में गए। तो उसके बाद यहाँ पर नाथ संप्रदाय के साधु संत रहते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी आए यहाँ पर, उनका अखंड धूना है। और ठीक गेट के पास में यहाँ जो सिद्ध पीर गरीबनाथ जी हुए हैं सबसे पहले महात्मा, उनकी यहाँ पर समाधि है। तब से यहाँ नाथ संप्रदाय के साधु रह रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं सभी अपने जम्मू वासियों को और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि शिव जी महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करें। बोलो शंकर भगवान की जय। जी आपने सुना यहाँ के जो मंत थे, इन्होंने इस मंदिर की जो मान्यता है उसके बारे में बताया, एक छोटी सी कथा जो थी उसके बारे में बताया कि ये किस तरह ये जावंत गुफा के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ जिस स्थान। इसके साथ ही आपको मैं और भी दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, आइए चलते हैं आगे की तरफ। इसके साथ ही ये बाहर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे मेले का आयोजन भी किया जाता है। जैसे कि मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे, बाहर मेले का लुत्फ उठाते हुए लोग यहाँ पीर को मंदिर में यहाँ दर्शन के बाद यहाँ पे बच्चों के लिए जहाँ पे हर एक तरह के झूले वगैरह का इंतजाम सारा ये जे एंड के टूरिज़्म द्वारा किया गया है। यह आप हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं वहाँ के शॉट, जो मेले के शॉट। ये थी एक हमारी छोटी सी रिपोर्ट पीरको टेंपल की, जिसमें हमने आपको अंदर के लाइव दृश्य भी दिखाए और इस मंदिर की मान्यता के बारे में भी बताया, और ये बाहर के दृश्य जो आपने देखे यहाँ मेले के दृश्य भी आपको दिखाए। इसी के साथ सत का सामना में अमित कुमार कैमरामैन सुनील सागर के साथ, धन्यवाद।